सोहेलो नमस्ते सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानस्थान 2.0 पर। सो गाइस, इस वीडियो में मैं अपडेट लेके आया हूँ गटसी लड़का के बारे में। सो गाइस, हुआ ये है कि गटसी लड़का ने पहले जो है YPM व्लॉग्स और गौरव जोन के ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि 10-10, 15-15 वीडियोस बनाए थे, और वो भी गाइस उन्होंने उनका खुद का ओरिजिनल कॉन्टेंट नहीं है, वो जो है दूसरे रोस्टर्स की कॉन्टेंट को चोरी करके आइडिया कॉपी करके जो है वो अपने वीडियो में डाल रहे हैं और जो है उनको काफी अच्छे व्यूज मिले हैं। और फिर गाइस होता ये है कि ऑफकोर्स जो है उनको एक्सपोज तो होना ही था, क्योंकि कितने दिन जो है वो एक ही बंदे पर जो है 15-20 वीडियो बनाएंगे। तो फाइनली ये हुआ कि गाइस काफी ज्यादा जो रोस्टर्स हैं आजकल उनको टारगेट कर रहे हैं, और हर कोई, चाहे वो लक्ष्य चौधरी हो, सम्राट भाई हो, YPM हो, गौरव जोन हो, और भी मैक्स टर्न भी है, बहुत सारे रोस्टर्स जो है उनके ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस बना रहे हैं गाइस। सो अभी रिसेंटली जो है मैक्स टर्न ने, जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि मैक्स टर्न ने बताया था कि वो अपना एक नया रोस्ट वीडियो लाने वाले हैं गटसी लड़का के ऊपर। सो वो वीडियो आ चुकी है गाइस, और उस वीडियो में से मैं आपको एक छोटा सा वीडियो प्ले करके दिखाता हूं। आप भी देखिए कि मैक्स टर्न का ये रोस्ट वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना गाइस। पहले मैं अपनी जिंदगी बड़ा परेशान था, मेरी जिंदगी बड़ी बोरिंग थी, मेरी जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, कोई मस्ती नहीं थी। फिर तेरी जिंदगी में गोबर आया, फिर क्या हुआ भाई तेरे साथ? और तब से मेरी जिंदगी, मतलब खुद देखो, गौरव जोन एक्सपोज्ड अगेन। कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती, उनके लिए गौरव जोन एक्सपोज्ड दोबारा, गौरव जोन एक्सपोज्ड है। वन लास्ट टाइम COVID-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बंदे की खासियत यह है, आप इसके व्यूज को देख के बता सकते हो कि वीडियो किसके बारे में। अगर व्यूज आते हैं 50,000 से 1.5 लाख के बीच में तो ये होगा हमारे गौरव जोन के बारे में, अगर व्यूज आते हैं हमारे 1 लाख से 3 लाख के बीच में तो वो होगा हमारे YPM के बारे में, और अगर व्यूज नहीं आते हैं तो समझ जाओ दोनों में से कोई भी वीडियो में नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मजा आया भाई, पहले तो गालियां वाली नहीं देता, जब मैंने इसकी वीडियो देखना शुरू कर दिया उस टाइम गालियां वाली, पता नहीं भाई लोग आजकल गालियां देना कूल क्यों समझते हैं, मुझे समझ नहीं आया। मेरे को गोबर जोन का तो नहीं पता, लेकिन किसी के भी ऊपर अगर आप 20 से ऊपर रोस्ट बनाते हो वो गाली ही देगा, आखिर पूछा तो करेगा नहीं। और 20 वीडियो कौन निकालता है यार किसी एक बंदे पे, इसे रोस्टिंग नहीं, इसे हैरेसमेंट कहते हैं। और हैरेस होने के बाद बंदा अगर गाली दे भी दे तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई चौंकने वाली बात है। और ये कह रहा है गाली देना नॉट कूल, जो खुद अपनी हर वीडियो में जैकी श्रॉफ के गाली वाले स्टिकर इस्तेमाल करता रहता है, हर बात पे डबल मीनिंग जोक निकालता है। और ये क्या असली लड़का थे करवा रहा है अंकल से ऑन कैमरा, बहुत ही अच्छा। पता नहीं भाई लोग आजकल गालियां देना कूल क्यों समझते हैं, मुझे समझ नहीं आया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस बंदे ने YPM के ऊपर इतनी वीडियो बनाई, YouTube भी कंफ्यूज हो गया, इस बंदे का नाम गटसी लड़का है या फिर गटसी लड़का YPM। मतलब खुद देखो, अगर आप यहाँ पे गटसी टाइप करोगे तो आपको दिखेगा गटसी लड़का YPM, गटसी लड़का रोस्ट, गटसी लड़का गौरव जोन, फ्लाइंग फिश गेमिंग, YPM रोस्ट, करण सहगल। He is 2 rupees people, 2 rupees people। ज्यादा काम तो इस ऑफिस में जेरोक्स मशीन करती है। और इस बंदे को सीरीज बनाने का इतना ऑब्सेशन है कि अगर ये गलती से भी किसी के द्वारा एक्सपोज हो जाए तो ये रिप्लाई वीडियो बनाता है, और अगर आपको पता है व्यूज आ जाए तो इसका सेकंड पार्ट भी बनाता है। पार्ट 2 बना दिया यार, मैंने मजे की बात हो गई, इसका पार्ट 2 निकाल दिया। पार्ट बनाना है तुम्हारा भाई वैसे है तो सीरियसली किसी के रिप्लाई वीडियो का भी 2 पार्ट बनाता है, मतलब ये क्या मजाक चल रहा है। और हाँ गाइस, अगर फ्यूचर में कोई और नई रोस्ट वीडियो बनती है गटसी लड़का के ऊपर, या गटसी लड़का कोई और अपडेट निकालते हैं अपने चैनल पे या इंस्टाग्राम पर, सो गाइस वो न्यूज मैं अपने चैनल पे जरूर कवर करूंगा। उससे रिगार्डिंग आप एक ही काम कर लीजिए गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर घंटी भी दबा दोगे तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी आपको। तो चलो गाइस, मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो पर किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।